जी आज सर, किस प्रकार का निवेदन जो है तहसीलदार कार्यालय में भाजपा द्वारा दिया गया है? आज यहाँ पर तहसीलदार कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब और कलेक्टर जी को एक निवेदन दिया है आघाड़ी सरकार तक पहुँचाने के लिए, जिसमें हमने यह दर्शाया है कि जिस प्रकार हमारे आदरणीय मोदी जी ने जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल से 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर जो कर दर कम किया है, उसी प्रकार आघाड़ी सरकार ने भी आंदोलन किया था कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के राहत देने के बाद सभी राज्यों ने करों में राहत दी है, लेकिन यहाँ पर 24% और 25% वेट लिया जाता है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन 1 रुपए की उसमें राहत नहीं दी गई है। तो हमने मांग की है कि जिस प्रकार केंद्रीय सरकार ने राहत दी है, उसी प्रकार आघाड़ी सरकार ने भी राहत दी जाए। और दूसरा, 9% शेष लिया जाता है, जिसमें से 3% शेष जो है दुष्काल के समय में बढ़ाया गया था जब दुष्काल आया था, लेकिन आज बरसात अच्छी हुई है, दुष्काल का समय नहीं है, लेकिन वो 3% चलते आ रहा है, सिस्टम बन गया है, तो वह 3% शेष भी कम किया जाए ताकि हमारी जनता को, महाराष्ट्र की जनता को एक राहत दी जा सके। तो हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है, पत्र निवेदन भेजा है, और मुझे पूर्ण यकीन है कि तहसीलदार कार्यालय द्वारा यह निवेदन वहाँ पहुँचेगा और जिला अधिकारी कलेक्टर द्वारा भी निवेदन पहुँचेगा, और यह जो राहत बहुत जल्द लोगों को मिलेगी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।